إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه المسلم. मेरी प्यारी बहनों और मैं तहदिल से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ो समा कब इंतहा शुक्र बजा लाती हूँ कि उसने हम तमाम को दीन की समझ अता किया, मुसलमान घराने में पैदा किया, और पैदा किया तो किया इसी तरह नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए बेशुमार अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। वादहु दरूद सलाम नाजिल हो अल्लाह के भेजे के तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी मेहनतों और मशक्कतों से हम तक ये दीन पहुंचा। मैं पढ़ती हूँ दरूद, आप भी पढ़िए दरूद। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आज आप सभी के सामने जिस उनवान को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ वो है माहे रबीउल अव्वल की बिदअत, यानी ये जो महीना है इस महीने में लोग क्या क्या बिदअतें करते हैं, इस महीने में क्या बिदअतें आज मुसलमानों के अंदर राइज है जो सही दीन सही इस्लाम और सही शरीयत से साबित नहीं है।
जैसा कि पिछले सेशन में हमने जाना था, बिदअत किसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शायद आप लोग समझ गए होंगे, है ना? समझ गए ना सभी बिदअत किसे कहते हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई नहीं समझे है तो मुझे बार बार सवाल कर सकते हैं आप। आज जिस उन्वान को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो है माहे रबीउल अव्वल की बिदआत, यानी इस महीने में मैं और आप या न जाने कोई और जो इस्लाम को नहीं जानता, जो सही दीन को नहीं जानता, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं जानता, जो कुरान और हदीस का इल्म नहीं रखता, तो ऐसी कम इल्मी की वजह से जिन लोगों ने इस महीने में बिदआत को ईजाद किया है और उन बिदआत को करने का इस तरह उन लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर सवाब बताया है, उसे आज मैं आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में रद्द करने के लिए आपके सामने हाजिर की हूँ। ये महीना जिसे मैं और आप एक मशहूर नाम से जानते हैं, ये तो अरबी महीना है जिसमें रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया इन इद्दत शुहूरी इंद अल्लाही इस्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक महीनों की गिनती 12 है आसमान और जमीन की पैदाइश जब से हुई तब से। तो ये महीने हैं अरबी महीने हैं। अफसोस सद अफसोस हमें तो उन महीनों के नाम याद नहीं है, हमने उनके नाम भी बदल कर कुछ और नाम रख लिए, और वो भी किस वजह से रखे हैं पता है? जिन बिदआत को हम करते हैं उन बिदआत के नाम से हमने उन महीनों के नाम रखे। जैसे रबीउल अव्वल का महीना है, इसे हम क्या कहते हैं? बाराफात। बाराफात हम यहीं पर गौर करेंगे। बाराफात, फात क्या है ये और बारा क्या है, ठीक है? और इसमें देखा गया तो जश्न मनाया जाता है इस 12 तारीख को, क्या नाम से? मिलादुन नबी के नाम से। उस पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन महीने का नाम जैसा हमने रखा है 12, वफात, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई थी, तो उसका नाम हमने 12 वफात रख दिया, ठीक है? लेकिन आप सच्चे मोहब्बत करने वाले सच्चे इंसान हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो बताइए मुझे कि इस महीने का नाम 12 वफात रखा, ये बात तो तय है, ये बात में कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई थी, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई थी। पैदाइश कोई कहता है 9 रबीउल अव्वल और कोई कहता है 12 को और कोई कहता है 8 को, कोई कहता है 11 को, 10 को, तो ये 5 तारीखों में से इख्तिलाफ है, लेकिन 9 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई मक्का में, ठीक है? ये बात बहुत सी अहदीस से हमें सही साबित होती है, लेकिन हमने 12 ही को मान लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, ठीक है? इख्तलाफ रहने के बावजूद हमने 12 तारीख को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मान ही लिया है, तो देखिए, लेकिन वफात में कोई इख्तलाफ नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 तारीख को ही हुई है,
तो हमने जश्न का जो दिन मुकर्रर किया है, जो दिन हमने जश्न का तय किया है, वो कौन सा दिन है? 12 रबीउल अव्वल। तो बताइए, हमारी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी वफात पर हम जश्न मना रहे हैं, उनकी मौत पर हम जश्न मना रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इल्म हासिल नहीं किया, हमने नहीं जाना सही दीन क्या है, सही तारीख क्या है, सही इस्लाम क्या है, हम ये नहीं जाने। ठीक है, मिलादुन नबी की टॉपिक पे आपके सामने बातें आगे आएंगी इंशाल्लाह। आज मेरा वो टॉपिक नहीं है, तो मैं उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरा टॉपिक है ये रबीउल अव्वल की बिदात। सिर्फ ये तो बहुत बड़ी बिदात है जो जिसने ईद मिलादुन नबी है, इसमें हम नहीं जाएंगे, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी बिदातें इस महीने में राइज होती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। ठीक है, देखिए, दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हम सब के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत का सबब बनता है। आपकी बिअसत, आपका रसूल बनाया जाना हमारे लिए सुकून का जरिया, राहत का जरिया बनता है। आपकी रिसालत, आपकी दुनिया में आमद हमारे लिए नजात यानी कामयाबी का जरिया है। हमें आपकी विलादत मुबारका पर बहुत ज्यादा खुशी होना चाहिए। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, कायनात की हर चीज से ज्यादा, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना इस्लाम का फर्ज है, एक मुसलमान और एक मोमिन का फर्ज है। इस बात पे ईमान रखते हैं, रखना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा, और हमारे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाजिब और फर्ज है। इस फर्ज में कोताही करने वाला ईमान की मिठास से महरूम हो जाता है, और महरूम होता ही नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चाशनी है उससे कोंसों दूर हो जाती है। वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक के दुनिया की हर चीज से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना कर लें। ये मेरी बात नहीं है। देखिए, सही मुस्लिम हदीस की किताब, हदीस नंबर 44, सही मुस्लिम हदीस नंबर 44 में क्या फरमाते हैं? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين। क्या तर्जुमा? मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मैं उसके नजदीक उसके बाल बच्चे, उसके वालिद और उसकी औलाद तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन, कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मैं उसके नजदीक उसके बाल बच्चों से, उसकी औलाद से, उसके तमाम घर वालों से और उसके वालिदैन से भी ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं। कौन कह रही है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक के हम अल्लाह के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेंगे, तब तक हम ईमान के पक्के नहीं होंगे, पक्के मोमिन हम नहीं कहला सकते। ठीक, यहां तक हो गई मोहब्बत की बात। मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत किसे कहते हैं?
मोहब्बत का तकाजा क्या है? किसी शायर ने कहा, लो कान हुब्बुका सादिकन ला कुत्अ इन अल मुहिब लिमन लम युहिब अल मुतीअ। यानी शेर, ये अरबी शेर है, इसका तर्जुमा क्या है? अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम उसकी इताअत करते, क्योंकि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का फर्माबरदार मुती होता है। यानी देखिए, हमें किसी से मोहब्बत है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ले लेंगे, उनसे हमको मोहब्बत है, और अगर हम उनसे मोहब्बत नहीं करते तो हम मुसलमान है ही नहीं, ठीक है। और मोहब्बत का तकाजा क्या है? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ऐसी की जाए कि उन्होंने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है, हम बिला चूं चरा उस काम को करने लग जाएं, और जिन कामों से उन्होंने हमें रोका है उन कामों से हम रुके रहें, चाहे हम पर कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हमें वो काम कर गुजरना है जो मेरे और आपके नबी ने हमको कहने करने के लिए कहा, और उस काम से रुकना है जो काम करने से मेरे और आपके नबी ने हमको रोका है। ये मोहब्बत का असल तकाजा है, ये मोहब्बत का असल तकाजा है कि हम उन कामों को बचा लाए। तो आइए हम देखते हैं रबीउल अव्वल की जो बिदअतें हैं, क्या इन बिदअतों को, क्या इन कामों को जो आज हम कर रहे हैं, उस उन कामों को करने का मेरे और आपके नबी ने हुक्म दिया है या नहीं दिया है? जो आज हम दीन समझकर, इस्लाम समझकर, शरीयत समझकर, फर्ज़े ऐन समझकर, अपने कारोबार छोड़कर, अपने घर का काम छोड़कर, अपनी माँ बाप की खिदमत छोड़कर, जो आमाल हम आज कर रहे हैं, अपना वक्त जिसमें हम सर्फ कर रहे हैं दीन समझकर, इस्लाम समझकर, क्या वो काम हमारे लिए आखिरत में बाइसे अजर सवाब है या फिर जहन्नम में ले जाने वाला अमल है? हमने सुना और अमल कर लिया, ये भी नहीं सोचा कि इसके करने से हमें सवाब मिलता है या अजाब, नहीं सोचा हमने कभी। सबसे पहली चीज जो हम कर गुजरते हैं, जब माहे रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है, जब माहे रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है तो क्या करते हैं हम? सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने के चांद को देखकर दुआ पढ़ते हैं, और इसके लिए कुछ अलग दुआ अपनी तरफ से मंसूब करते हैं, जो मसनून नहीं है, जो मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सही नहीं कहा है, ठीक है। और चांद, हर नए चांद को देखकर दुआ पढ़ना, ये सुन्नत से साबित है, जैसे इसकी एक दुआ भी है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी वत तौफीकी लिमा तुहिब रब्बना फतरजा रब्बना व रब्बुका अल्लाह। ये दुआ है, ये दुआ अगर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए हर अमल का दारोमदार नियत पर है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, हर अमल का दारोमदार नियत पर है। आप ये नियत करके पढ़ रहे हैं रबीउल अव्वल का चांद देखकर कि हर महीने के नए चांद पर दुआ पढ़ना चाहिए, तो आपको उस पर अजर सवाब जरूर मिलेगा। लेकिन आपकी नियत ये है कि आपने ये सोचा कि रबीउल अव्वल का महीना, सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में मुझे ये दुआ पढ़ना है, तो ये आपकी नीयत गलत है, जिसकी वजह से ना आपको सब मिलेगा बल्कि आप और बिदअत करने के अजाब में शरीक हो जाएंगे, बिदअत ईजाद करने के अजाब में आप शरीक हो जाएंगे और उनकी फहरिस्त में आपका नाम लिखा जाएगा।
क्योंकि खास कर इस महीने को खास बनाकर इसमें एक अलग दुआ पढ़ना या इसके ही चांद पर हम दुआ पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए गलत है, सुन्नत से साबित नहीं। ये हो गई पहली बिदात, बिदात जो चांद के दिखते ही हम इसमें हिस्सेदार बन जाते हैं, इस बिदात के हिस्सेदार बन जाते हैं। दूसरी चीज, जो शख्स, एक हदीस है जिसे मैं और आपने सही समझा है लेकिन उसकी तह तक, उसके सनद तक, उसके मतन तक हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमें इल्म नहीं है उस चीज का। जो भी आकर कहे दीन हमारे लिए आसान है, हमने उसे मुश्किल बना लिया है। और जो भी बात कहे हमने उसे सस्ता किया है। कैसे बताऊं मैं? अगर आप एक छोटी चीज खरीदने के लिए भी मार्केट जाएंगे ना, एक छोटी सी चीज, चाहे आपको एक छोटा सा बर्तन क्यों ना लेना हो, आप उसकी तहकीक करते हैं उसके प्राइस के हिसाब से। उसका जितना प्राइस है उसके हिसाब से आप उसकी तहकीक करते हैं कि ये चीज इतने पैसे लगाने के लायक है कि नहीं, ठीक है। लेकिन जब दीन की बात आती है, जो आकर जो कहता है, जो कहता है हम मान लेते हैं, सिर्फ एक वर्ड अगर हमें कह दिया जाए कि अहद कहो, एक हजार मरतबा, एक करोड़ मरतबा, तुम्हारी पूरी मुश्किल आसान हो जाएगी, तो हम कहने लगते हैं। हमने सस्ता बना लिया है दीन को, हम वहां तहकीक नहीं करते, जानते नहीं, उसकी हद तक नहीं पहुंचते कि ये काम जो मैं करने जा रही हूँ क्या ये सही है या नहीं। आके कोई भी बोल दिए, हम यकीन कर लिए और उस पर अमल भी करना शुरू कर लिए, क्या ये काम मेरा सवाब का बाइस बनेगा या अजाब का बाइस बनेगा, क्या हमने कभी ये सोचा है? उसी तरह एक और हदीस जो रबीउल अव्वल के ताल्लुक से निकली है, वो क्या है? फरमाते हैं, जो शख्स सफर के गुजरने की खबर देगा, यानी माह सफर जो रबीउल अव्वल के पहले वाला महीना है, उसके गुजरने की खबर देगा, यानी रबीउल अव्वल के जाने की खबर, सफर के जाने की खबर और रबीउल अव्वल की आमद की, यानी वो आ रहा है, रबीउल अव्वल के आने की खबर देगा, क्या है उसका? उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए और उसे जन्नत की खुशखबरी दे दी जाएगी। अल्लाह हू अकबर, क्या है इसके अरबी अल्फाज? मन बशरनी बी खुरूज सफरिन बशरतहू बिदुखूल जन्नत ला अस्लह। अल्लाह अल्लाह हू अकबर, ये ऐसी मनधड़क अहदीस है, ऐसी मौजू और ज़ाइफ हदीस है जिसकी इस्लाम में कोई रिवायत, इसकी कोई सनद इस्लाम से मौजूद नहीं है, क्योंकि इसको ना मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी करने का हुक्म दिया है, ना ही खुद उन्होंने इस तरह का अमल कभी किया है। ठीक है, ये आयत, ये रिवायत, ये हदीस गलत है, मंदरक है। तो कोई अपने ऊपर ये हदीस को फर्ज नहीं बनाएगा, किसी से कोई सफर के जाने की खुशखबरी नहीं देगा और रही माह रबीउल अव्वल के आने की खुशखबरी देगा, ऐसा नहीं है। अगर जन्नत का हासिल करना इतना आसान होता कि आप सिर्फ एक मुबारकबादी किसी को दे दिए, जैसे मुबारक हो सफर जा रहा है, ये अल्फाज कोई माना रखता है जन्नत में जाने के लिए? बताइए, ऐसे बड़े बड़े आमाल करना पड़ता है, सहाबा कैसे कैसे आमाल करते थे, उसके बावजूद रोया करते थे रातों रात, और जब तहज्जुद के लिए ठहरते सहाबा तो क्या हालत होता, उनकी क्या हालत होती कि उनके पैर फूल जाते और इतना रोते कि उनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो जाती।
अगर जन्नत हासिल करना इतना आसान होता तो मेरे और आपके नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबियात इतने आमाल करके अपना वक्त जाए क्यों नहीं करते थे? क्यों करते थे? क्यों किया इतने आमाल उन्होंने? क्यों रात और दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल रहा करते थे? सिर्फ एक मुबारकबादी दे दिए कि सफर जा रहा है, रबीउल अव्वल आ रहा है, बस खत्म जन्नत। हमने इस्लाम को इतना सस्ता बना लिया, इस वजह से आज हम आमाल तो नहीं करते लेकिन ऐसे अमल जरूर करते। और ये भी काम जिन्होंने ऐजाद किया है वो ये उलमाए सू है, ऐसे गलत उलमा है जिन्होंने दीन को खिलवाड़ बनाया है, इस्लाम को खिलवाड़ बनाया है, बल्कि इस्लाम से मजाक किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मजाक किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उन्हें जरूर इसकी सजा देगा जिन्होंने इन चीजों को ऐजाद किया है। माअज़ अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए इन सब चीजों से। एक और हदीस है जो लोगों ने अपनी तरफ से ऐजाद कर लिया, ये हो गई दूसरी बिदात। तीसरी बिदात, फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सबसे पहले किसी को रबीउल अव्वल की मुबारकबादी दी उस पर दोजख की आग हराम हो जाती है। अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या कर रहे हैं? गलत बात नहीं। देखिए, पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि क्या इसकी हकीकत है, जो शख्स किसी शख्स को रबीउल अव्वल की मुबारकबादी पहले दे, सबसे पहले दे, उस पर दोजख की आग हराम हो जाती। दोजख की आग का हराम होना इतना आसान नहीं, और ये मौजू मंदरक है। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी बात लगा दी और उसकी सजा सुनी है। बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 109, ये मेरे मुंह की बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हदीस की बुनियाद पर और उसके रेफरेंस के साथ में कह रहे हैं ये बात। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 और हदीस नंबर 109 उठाइए और देखिए क्या है। जो कोई मेरी तरफ कोई बात मंसूब करके बताता है जो मैंने नहीं कही है, कौन कह रहे हैं? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैंने नहीं कही है, तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश कर, अपना घर जहन्नम में बना ले। सपोज जो शख्स मेरी तरफ नई बात गढ़ते जो मैंने कभी नहीं कही है, तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। अब मुबारकबादी जो पहले देगा उस पर जहन्नम की आग हराम होगी या नहीं होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नई बात मंसूब की वो तो जरूर जहन्नम में जाएगा, क्योंकि इसका रेफरेंस मेरे पास है, जरूर जाएगा वो जिसने रबीउल अव्वल की मुबारकबादी जो पहले, वो क्या होगा? जहन्नम उस पर नहीं आएगी, यानी वो जहन्नम में नहीं जाएगा, जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। अलग, हम कोई भी बात तक तहकीक ना करें नहीं कहेंगे। आगे माह रबीउल अव्वल में क्या होता है, एक और चीज, खास नमाजें पढ़ी जाती हैं। जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद दिखता है तो उस रात को या फिर 12 रबीउल अव्वल की रात को, यानी जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस रात को क्या करते हैं? नमाजों का एहतमाम।
इसकी कोई सही हदीस सुन्नत से साबित नहीं। माह रबीउल अव्वल में कोई खास नमाज सुन्नत से साबित नहीं है। मैं और आप इस सुन्नत इस पर अमल नहीं करेंगे, खास करके उस रात को खास मानकर नियत ये समझना कि हम अगर इस रात में कुछ नमाजें पढ़ते हैं या कुछ नवाफिल का एहतमाम करते हैं तो हमारे लिए इतना इतना सवाब है, 1 करोड़ लाख नेकियां, 1 लाख नेकियां, 10,000 नेकियां, इस तरह न जाने कितनी नेकियां अपनी तरफ लिख लेते हैं वो लोग। तो ये सरासर गलत है, सही नहीं है। तो मैं और आप इसमें कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जो सुन्नत से साबित नहीं। अगर हमने किया तो हम उस हदीस में शामिल हो गए जो हदीस मैंने आपके सामने रखी है अभी, सही बुखारी हदीस नंबर 109। तो हम कोई नफल नमाज नहीं पढ़े। हाँ, अगर आपकी नियत रबीउल अव्वल की रात ना हो बल्कि आप हर रात तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, हर रात नवाफिल का एहतमाम करते हैं, नफल नमाजें पढ़ते हैं, तो आप जरूर नफल पढ़ते हैं, इसमें कोई हज की बात नहीं। क्योंकि अमल का दारोमदार नियतों पर, आप हर अमल अमल के कबूल होने की दो शर्तें, एक नियत का खालिस होना, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल पर। ये दो चीजें आपके अंदर है तो आपका अमल काबिल कबूल है। आपकी नियत ये ना हो कि रबीउल अव्वल की रात है, मैं आज पढ़ लूंगी तो मेरे लिए ये होगा वो होगा, अगर आपकी नियत ये नहीं है तो आप जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी नियत है ऐसी तो आपका वो अमल काबिले कबूल नहीं होगा बल्कि आप गुनाहगार होंगे क्योंकि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत बात ठहराई। आप देखिए, नफल नमाजों का बहुत बड़ा सवाब, अल्लाह ताला नमाज के जरिए से अपने बंदे के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। क्या है हदीस है, क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा बंदा मुझसे सबसे ज्यादा करीब कब होता है, जब वो नमाज की हालत फर्ज नमाजों के जरिए से वो मेरे ज्यादा करीब होता है। और उसकी हालत, वो नमाजें पढ़ता है फर्ज नमाजों के अलावा, जब वो नवाफिल का एहतमाम करता है तो वो मेरे इतने करीब हो जाता है, इतने करीब हो जाता है, और मैं उसके इतने करीब हो जाता हूँ कि जब वो जो भी मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। नफल अगर हम पाबंदी के साथ पढ़ते हैं तो मैं नफल नमाज नहीं पढ़ना है नहीं कह रही, बल्कि उस रात को खास मानकर उसमें हमने बिदात ईजाद कर नहीं पढ़ना, बल्कि हम नफलों का तो एहतमाम करना है हमें, क्योंकि उसका सवाब देखिए जो मैं बता रही हूँ हदीस से कि क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, हदीस कुदसी है कि मैं उसके इतना करीब हो जाता हूँ कि जब भी वो जो भी दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल करता और जिस चीज की वो फरियाद करता है उसकी फरियाद रसी करता हूँ और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो लिखता है, उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मेरा और आपका रब कहता है वो मेरा करीब भी बनता हो जाता है। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करता है किसी महफिल में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है, क्या कहते हैं कि मैं उसका जिक्र करता हूँ उससे बेहतर मजलिस में। जब वो मेरी तरफ एक हाथ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दो हाथ चलकर जाता हूँ, जब वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। क्या चाहिए मुझे और आपको, रब्बुल इज्जत की कायनात का रब, कोई सीएम पीएम दुनिया का बेकार इंसान अगर हमारा नाम अपनी जुबान से ले ले तो हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती है ना। ये रब जिसने जमीन और आसमान बनाया, जिसके हाथ में तमाम मिल्कियत और बादशाहत है, शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह, हमारा और आपका रब जब हमारा जिक्र किसी मजलिस में करे, हमारा नाम किसी बेहतरीन मजलिस में ले, हमारा नाम फरिश्तों के सामने ले, तो क्या होगी हमारी खुशी की इंतहा, कभी आपने सोचा है नहीं कि कब होगा? तब आप नवाफिल का अहतमाम करें, आप जरूर नफलों का अहतमाम करें, लेकिन बिदाती तरीकों से नहीं,
और ना ही अपनी तरफ से कुछ चीजें मंसूब कर कर आप तहज्जुद का एहतमाम करें, रातों की नमाजों का एहतमाम करें, कियामुल लैल करें, कियाम तहज्जुद करें, आप इस तरह कुछ भी कर सकते हैं। कितनी भी नफल पढ़ते हैं, दिन भर आप नफल नमाजें पढ़ें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से रबीउल अव्वल को ही पढ़ना, उस ही रात को पढ़ना है, ये सब गलत है। और इसके अलावा खुसूसी दावतें होती हैं, चौथी बिदात जो है क्या है, इसमें खुसूसी तौर पर इस महीने में दावतें की जाती हैं, सदकात किए जाते हैं और उन दावतों में सदक़े दिए जाते हैं, न जाने क्या क्या दिए जाते हैं, अल्लाह करम करे। तो ये सब चीजें बिदातें हैं, दावतें करना। अच्छा, गरीबों को भी बुलाकर खिलाया जाता है, ठीक है, मैं कहती हूँ ये नेक अमल है। कोई मुझसे सवाल कर ले कि ये तो नेक अमल है ना, ये तो हम कर सकते हैं ना कि हम बुलाकर किसी को खाना खिला दें, ठीक है। लास्ट जो सेशन हुआ उसमें हम पढ़े थे कि कोई भी अमल हो, चाहे वो नेक या फिर चाहे बद, चाहे वो नेक अमल हो चाहे वो बद अमल हो, जिस पर मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं लगी है, यानी स्टाम्प नहीं लगा है, तो वो अमल क्या हो जाएगा, मर्दूद हो जाएगा। और उस अमल की वजह से क्या होगा, जब फरिश्ते हमें खींच कर ले जाएंगे तब क्या होगा, याद है किसी को हदीस, कह सकेंगे बताइए कोई क्या थी वो हदीस, जहन्नम में क्या करेंगे फरिश्ते हौज कौसर के पास, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी आ रही है मैम? जी, तो बताइए ना, जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हौजे कौसर के पास घसीटते हुए लेके जाएंगे जो लोग गलत वो करते थे, चीजें दीन में ईजाद करते थे, उनको घसीटते हुए लेकर जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे, तुम मेरे उम्मतियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे? तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलेंगे कि लोग आपके पीछे आपके जाने के बाद गलत वो करते थे, नए चीजें ईजाद किए थे दीन में, इसलिए बोलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे कि इन लोगों को मेरी नजरों के सामने से हटा दीजिए और जहन्नुम में डाल दीजिए। जी, सही कहा आपने, बारक अल्लाह फीक, अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। हाँ, आमीन। तो क्या होगा, जहन्नम में घसीटते हुए उनको डाल दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस उम्मती का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे जो दुनिया में रहकर बिदअतें ईजाद करता था और ये कहता था कि ये तो नेक काम है जो मैं किया, यानी जैसे अब छोटी छोटी बिदातें जो हमने ईजाद कर ली, जैसे आयत करीमा ले लें, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो क्या कहते हैं वो लोग कि हर्ज क्या है, गुनाह तो नहीं है ना, नेकी ही तो हम कर रहे हैं, तो वही नेकी के बदले आप जहन्नम में जाएंगे, वही नेकी के बदले आप जहन्नम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस दीन में, उस शरीयत में नई बात डाल दी जो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टैंप नहीं पड़ा था, और कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को करने का हुक्म नहीं दिया था और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया था। अगर आप वो अमल कर रहे हैं तो आप जहन्नम में जाएंगे जरूर, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये शरीयत अल्लाह की शरीयत है, इस शरीयत में दखल अंदाजी करने का हमें कोई हक नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कुरान में, उठाइए कुरान देखिए, सूरह मायदा में क्या फरमाता है अल्लाह ताला, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, आज के दिन हमने आपके लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल चीज किसे कहते हैं जिसमें कोई चीज को और डाला नहीं जा सकता, मुकम्मल कर दिया है, मुकम्मल कंप्लीट कंप्लीटेड हो गया दीन, एकदम कंप्लीट, अब इसमें कोई चीज
ऐड नहीं की जा सकती। अगर हमने ऐड किया अपनी तरफ से जबरदस्ती और उस पर किसी ने अमल कर लिया तो उसका अजाब क्या होगा, ये हदीस भी हम पढ़े थे बिदात की, जहन्नम में क्या होगा उसका हश्र, जिसने कोई बिदात ऐजाद की और उस बिदात पर बहुत लोग अमल करते हैं तो उसका क्या हश्र होगा, बताइए कोई भी सिस्टर, सिस्टर मैयम, सिस्टर सादिया, कोई भी बताइए क्या हश्र होगा उसका। लास्ट टाइम ये भी हदीस जहन वो याद नहीं है मैम, खाली जहन्नमियों को खौलता हुआ पानी दिया जाएगा और सिस्टर उज्मा, दिया जाएगा पीप। सिस्टर उज्मा आप बोलेंगे जी, हाँ क्या होगा पता है, जहन्नम में जिस शख्स ने कोई बिदात ईजाद की तो जो बिदात कर रहा है ठीक है, उसके पीछे से जो बिदात कर रहा है उसका सारा अजाब यानी जो जो भी उसकी वजह से बिदातें ईजाद कर रहा है, जैसे एक नेक अमल है, मैंने आपसे कहा कि मरने के बाद नेकी का सवाब मिलता रहता है ठीक है, अगर किसी ने दीनी बात किसी को बता दी, किसी ने कोई नेक अमल करने का हुक्म दिया किसी को और वो अमल वो करता रहता है तो खबर में भी उसको उसका अजर सवाब मिलता है, उसी तरह एकदम उसके मुतरादिफ क्या होगा, जो शख्स कोई बुरी चीज ईजाद करेगा, कोई दीन में नई बात लाएगा तो उसका भी अजाब उसे क़यामत तक मिलता रहेगा, जिस तरह नेकी का सवाब मिलता है उसी तरह क़यामत तक उसका अजाब भी उसे मिलता रहेगा और वो जहन्नम में घसीटता हुआ डाला जाएगा ठीक है। अब देखिए आगे, ये थी बिदातें, तो मैं क्या कह रही थी, अपने बात पे पॉइंट पे आती हूँ, सदाकात करना, लोग तो ये कहते हैं कि हमने तो सदका किया क्या गलत है, वो मत देखिए भाई, क्या इस दिन मेरे नबी ने खास मानकर सदका किया था, नहीं किया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं किए मेरे नबी और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को खास मानकर सदका वगैरह नहीं किए थे, तो आप भी खास मानकर ना करें, रोजमर्रा आप अगर कर रहे हैं तो नॉर्मली आप दे दें सदका, आपको गुनाह नहीं होगा उस पर, लेकिन आपकी नीयत डिपेंड करती है, आपकी नीयत मायने रखती है, आपकी नीयत अगर गलत है तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, आपकी नीयत ऐसी नहीं है कि उस दिन को खास मान रहे हैं आप बल्कि आप नॉर्मली सदका कर रहे हैं तो आपको उसका अजर सवाब जरूर मिलेगा ठीक है। सदकात आप जरूर करें, सदका करने से बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसे सदका बुरे बुरे हादसात से रोक देता है, सदका बहुत बड़ी नेमत है मुसलमान की, यानी जो शख्स सदका करता है तो उसके ऊपर से तमाम बलाएं खत्म हो जाती हैं, मौत के अलावा कोई चीज भी हो यानी कोई और नुकसान हो, जैसे मौत के अलावा कोई भी नुकसान हो सबको टाल देता है सिवाय मौत की, क्योंकि मौत तो लिखी भी है ना अल्लाह की तरफ से, इसलिए मौत तो आकर रहेगी, लेकिन मौत के अलावा कोई भी परेशानी मुश्किल रहो वो तमाम चीजें हल हो जाती है सदके से, तो आप सदका करेंगे लेकिन इस महीने को खास मानकर नहीं। और रोजे को रखना, इस दिन खास कर रोजा रखा जाता है ठीक है, लेकिन इस दिन खास कर रोजा रखना ये भी बिदात है और इस्लाम में बिदात का कोई, देखिए क्या फरमाते हैं, बिदाते हसना और बिदाते सैया ठीक है, बिदाते हसना और बिदाते सैया कहते हैं यानी अच्छी बिदात बुरी बिदात, देखिए इस्लाम में बिदात का कोई तसव्वुर ही नहीं, कोई तसव्वुर ही नहीं, चाहे वो अच्छी बिदात हो चाहे बुरी बिदात, हम इस दिन कोई रोजा नहीं रखेंगे क्योंकि जितने भी रोजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है मैंने जमा के आपके सामने देखी, रमजान के रोजे कितने रोजे रखना है
रमदान के 30 रोजे और उसके साथ साथ शवाल के 6 रोजे, ठीक है, ये पूरे मिलाकर कितने गुना माफ हो जाएंगे, हमारे पिछले एक साल के गुना माफ हो जाएंगे। इसके साथ साथ हर महीने के अय्यामे बीत जिसे कहते हैं 3 रोजे 13, 14 और 15, हर महीने के 13 तारीख 14 तारीख और 15 तारीख को, यानी इस्लामी महीने के 13, 14, 15 को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, और हर हफ्ते के मंडे और थर्सडे यानी पीर और जुमेरात का रोजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और जुलहिज्जा का 9वां रोजा यौम आराफा, और जो हज पर नहीं गया हो उसके लिए 9 रोजे भी रखना साबित है सुन्नत, ठीक है, यानी 9 रोजे भी अगर वो रख लिया, क्योंकि उसमें करने वाली इबादतें बहुत ज्यादा काबिल-ए-कबूल है, तो इस वजह से उन 9 रोजों की फजीलत है, ठीक है, अगले और पिछले साल के गुनाह उससे माफ हो जाते हैं। और उसके बाद 10 मुहर्रम का रोजा यानी योम आशूरा का रोजा रखना भी हमारे लिए सुन्नत से साबित है, यानी पिछले एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के शुरू के 15 दिन रोजे रखा करते थे, माह शाबान यानी रमदान से पहले वाला जो महीना होता है शाबान का, तो उस महीने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के 15 दिन रोजा रखते थे, यानी बहुत ज्यादा रोजे उसी महीने में रखते थे। तो इन रोजों के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी रोजा साबित नहीं है, सही हदीस से कोई भी रोजा साबित नहीं है। तो ये रोजे आप रख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैंने आपको बताया भी, देखिए, और इसके रेफरेंसेस भी हैं, लेकिन इसके अलावा रबीउल अव्वल में 12 रबीउल अव्वल को रोजा रखना, 9 रबीउल अव्वल को रोजा रखना, या फिर रबीउल अव्वल के पूरे महीने में रोजा रखना, न जाने क्या क्या बिदातें हमने ईजाद कर ली, वो सब चीजें सुन्नत से साबित नहीं है, ठीक है। और इतनी बिदातें थी जो मैंने इकट्ठा की हैं, जो मैंने तहकीक करने के बाद आपको बताया है कि ये बिदातें की जाती हैं इस महीने में, यानी सबसे पहले तो चांद का और सफर की जाने की और रबीउल अव्वल के आने की खुशखबरी देने का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हदीस आप मंसूब किया है कि जो शख्स रबीउल अव्वल की मुबारकबादी देगा उसके लिए क्या होगा कि जहन्नम हराम कर दी जाएगी, ये तीसरी बिदत हो गई। चौथा क्या क्या कहा मैंने कि इसमें नफली नमाजों की पाबंदी करना, और पांचवी जो थी वो है इसमें नमाजें पढ़ना सदकात करना, और छठी जो बिदत थी वो क्या थी इसमें दावतें करना, और सातवीं जो बिदत मैंने आपके सामने कही वो है रोजे रखना ये साबित है, और जितने भी रोजे हैं वो सुन्नत से ही। हाँ चलिए, तो अब हम ये जानेंगे कि हम जो भी अमल कर रहे हैं चाहे वो नेक अमल हो या बुरा, इसका अज्र सवाब किस बुनियाद पर हमें मिलेगा, मुसलमान की असल कामयाबी इसमें है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत फरमाबरदारी करे। कुरान मजीद और अहदीस नबविया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उनकी पैरवी करे और उनकी खिलाफ वर्जी या नाफरमानी ना करे। जैसा कि खुतबे मसनूना में मैंने आयत करीमा की तिलावत की, सूरतुन निसा आयत नंबर 13 और 14, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 13 और 14, क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. क्या फरमाया? जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, उसकी फरमा बरदारी करेगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने उसे करने के लिए कहा है उसकी फरमा बरदारी करेगा, उसे मानेगा, तो वो उसे यानी अल्लाह ताला उसे उन बागात में यानी जन्नत में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो उसमें हमेशा रहेगा। खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहे। और उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट, और यही यानी देखिए वज़ालिक अल-फौज़ुल कबीर जो कहा, फौज़ुल अज़ीम जो कहा अल्लाह ताला ने कि ये बड़ी कामयाबी है, इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को जन्नत लिख दे, किसके लिए, किसी के लिए जन्नत को हलाल कर दे, जन्नत के हक में लिख दे, तो इससे बड़ी कामयाबी कुछ भी नहीं हो सकती। और इसके बरअक्स, इसके अपोजिट क्या कहा अल्लाह ताला ने, वमन यअसुल्लाह व रसूलहु, और जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, व यतअद्द हुदूदहु, और उसकी हदों से तजावुज करेगा, यानी जो अल्लाह ताला ने हद रख दी हैं, जो चीजें महदूद रख दी हैं, जिस जिन चीजों को करने का अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उनको क्रॉस किया। हद कहते हैं लिमिट्स को, यानी उस लिमिट्स को क्रॉस किया किसी ने, यतअद्द हुदूदहु, लिमिट्स को जो क्रॉस कर दें, इस्लाम के हुदूद को जो फैलांगे, उससे तजावुज करे, तो उसे वो आग में दाखिल करेगा। युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, यानी उसको वो आग में दाखिल करेगा और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। और क्या फरमाया, وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ, और वो रुस्वा करने वाला अज़ाब, यानी आपको ज़लील और ख़ार करके फेंकेगा वो अज़ाब, यानी इंसल्ट, आपकी इंसल्ट होगी उस अज़ाब में जब आप जाएंगे, तो ये भी एक अज़ाब होगा। पूरी दुनिया के सामने जब हमारी इंसल्ट होगी, क्या फील करेंगे हम? नहीं ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में दो चार लोगों के सामने कुछ चीज पे हमारी अगर कुछ इंसल्ट हो गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम में इंसल्ट का भी अजाब देगा, मुहीन जिसे कहते हैं, रुस्वा कुन अजाब, रुस्वा कर देगा, हम बेकार साबित कर देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिमाग दिया, इस दिमाग की वजह से हम चांद तक चढ़ रहे हैं, लेकिन इस दिमाग को इस्तेमाल कर कर अपने रब को नहीं पहचान रहे। रब हमें क्या कह रहा है, हमसे क्या चाह रहा है, हम कैसी इबादत करें, कौन सी इबादत रब्बुल इज्जत को पसंद है, हम वो नहीं जान पा रहे हैं इन दिमाग की वजह से, इस वजह से हमें रुस्वा करें। हाँ, इसके बाद इन आयत करीमा में गौर कीजिए आप कि अल्लाह ताला ने इताअत और फरमाबरदारी करने वालों को जन्नत की बशारतें दी और उसके बरक्स क्या किया, नाफरमानी करने वालों को जहन्नम की वाइदें सुनाई। लिहाजा हर मुसलमान को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, अपना जायजा लेना चाहिए कि वो किस रास्ते पर चल रहा है, जो रास्ता जन्नत तक पहुंचाने वाला है उस रास्ते पर, या फिर जो रास्ता जहन्नम में ले जाने वाला है उस रास्ते, किस रास्ते पर हम चल रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अल्लाह हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले, क्योंकि उस अजाब को सहने की हमें ताकत नहीं, عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ غرامہ کہتے ہیں کیسا عذاب جو چمٹ جانے والا، جو چپکا تو نکلے گا نہیں، ایسے عذاب میں اللہ رب العزت جانے والا ہے۔ کیونکہ اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شرک ہوتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا۔ آپ شرک سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عالم آپ ہی ہیں، آپ شرک سے بچ جاؤ، بدعتوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے مطیع و فرمانبردار آپ ہی رہیں، जहन्नम की आजाब, जहन्नम का आजाब आप पर हराम होकर लगेगा अगर आप शिर्क बिदअत से बचते हैं। मैं और आप, मैं भी क्यों ना, अल्लाह हम सबको बचाए। और दूसरे जो गुनाह हमारे अंदर हैं, हम जानकर या अनजाने में जो भी गुनाह करते हैं, अल्लाह हम सबको उन गुनाहों से महफूज रखे और उन तमाम गुनाहों को गिन गिन कर हमारी जिंदगियों से हटा दे और हम सबको माफ कर दे, हमारे लिए जन्नत में जाना आसान कर दे, जहन्नम को हम पर खराब कर दे।
आमीन। आगे देखिए, अल्लाह की इताअत कैसे होगी, किस तरह से हम अल्लाह की इताअत करें, उसकी फरमाबरदारी हम कैसे, उसकी इताअत कुरान मजीद को पढ़ने पढ़ाने से, उसको सीखने सिखाने से और उसमें गौर फिक्र करने से हमारा दस्तूर हयात हमें हासिल होता है। हमारी जिंदगी का दस्तूर उसी से हमें महसूस होता है, उसी से हम हासिल कर सकते हैं, उसी से हम जान सकते हैं। कुरान जब तक हमारा हथियार नहीं बनेगा, कुरान की तालीमात को हम नहीं अपनाएंगे, तब तक हम पक्के मुसलमान नहीं। सिर्फ नाम रख लिए अली मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान तो हम मुसलमान नहीं। हमें चाहिए उन जैसे अमल करें। और अल्लाह रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे होगी, अल्लाह की इताअत कैसे होगी, कुरान मजीद को पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने से होगी और उसको दस्तूर हयात बनाने से होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे होगी, इस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक मुबारक जो भी है उसका मुताला किया जाए और उस पर अमल किया जाए। अकायद हो या इबादत, मामलात हो या अखलाक व किरदार, हर मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जानी चाहिए। हर मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा को अपना फर्ज आइन समझना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़ाने और पढ़ने और अपनी जिंदगी में अमली तौर पर उसको ढालने की कोशिश करने से हम उनकी इत्तबा कर सकते हैं। ये बात तो सब लोगों को मालूम ही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी दरअसल अल्लाह की इताअत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سورة آل عمران في آية كيف مرت؟ قل كه ديجي يا نبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله कि तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुम तो हब्बून अल्लाह फत्तबिउनी तो मेरी इबादत करो, मेरी पैरवी करो, इबादत नहीं पैरवी करो, इताअत करो, फत्तबिउनी मेरी पैरवी करो। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मेरी पैरवी करो, फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, तुम जब मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे बिला वजह मोहब्बत करना शुरू कर देगा। तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिरु लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। और ये बात तो तय है कि दुनिया व आखिरत की कामरानी व कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल के इताअत में और कुरान और हदीस पर अमल करने में, लेकिन सवाल ये है कि इस सिलसिले में हम किसको अपने लिए मियाद तस्वर करेंगे, किसको हम अपना आइडियल मानेंगे। हमें उन हसरात को आइडियल मनाना होगा जिन्हें खुद अल्लाह ने मियार और आइडियल करार दिया है, जैसे और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आप पर ईमान लाने वाले इस उम्मत के अव्वलीन मुसलमान, वो जिन्हें अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है, जिनसे राजी होने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान किया है, जिन्हें उसने अपने सबसे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के लिए इंतखाब किया चुना है, वो है वो लोग। और उन्हें अनस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने और उनके लबों से कलामुल्लाह और अहदीस मुबारका को बराह रास्त सुनने का शर्फ बख्श। यानी वो कौन है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, वो सहाबा जिनके ईमान सादिक को अल्लाह ताला ने बाकी लोगों के लिए मुकर्रर फरमाया, मियार बना दिया, मियार करार दे दिया और आइडियल बना दिया, फरमाया
कुरान की बात है मेरी और आपकी जुबान की बात है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137 में क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फइन आमनु बिमुस्लिम فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدوا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, بس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے, وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور نہ مانے تو وہ مخالفت پر تلے ہوئے ہیں. یعنی جو شخص صحابہ کی طرح ایمان لا لیا تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے گارنٹی دے دی ہے کہ وہ ہدایت پر ہے, وہ گمراہ نہیں ہو سکتا, اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا صحابہ کی طرح عمل نہیں کرے گا تو وہ مخالفت پر اتر گیا, یعنی اگینسٹ جانے پر اتر گیا, دین و اسلام کے اگینسٹ جانے پر وہ اتر گیا اس میدان میں. تو صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, جس کی نقش قدم پر چل کر, جس کا نقشہ ہم اختیار کر کر ہمارے دین اور اسلام میں ہم اور چاشنی پیدا کر سکتے ہیں. ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے لازم و ملزوم ہے, اس کے بعد صحابہ کا طریقہ عمل دیکھیں گے. جو چیز ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہم صحابہ کے عمل سے اس عمل کو کر سکتے ہیں, لیکن ایسا عمل جو صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت, اور صحابہ اکرام جن کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے پر اللہ نے جہنم کی وعید بھی سنائی ہے, جیسے یہ بھی سورۃ النساء آیت نمبر 115 کی آیت ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستوں کے سوا اور راستے پر چلے, تو جدھر وہ چلتا ہے اللہ رب العزت اس کو ادھر ہی چلاتا ہے جدھر وہ چلنا چاہے, یعنی صحابہ اور رسول کا راستہ چھوڑ کر, مومنین کا راستہ چھوڑ کر اپنا ایک الگ راستہ بناتا ہے اور اس راستے کی وہ پیروی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے, نولہ ما تولیٰ, جس طرف وہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اسی طرف چلاتا ہے, اور نسلی جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں کر دیتا ہے, وساءت مصیرا, اور وہ رہنے کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, غلط یعنی رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے جہاں پر رہا نہیں جا سکتا, یعنی وہ جہنم ایسی ہے جہاں پر رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس آیت کریمہ میں مومنوں کا جو راستہ اللہ رب العزت نے فرمایا, من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین, جو یہ مصرع, یہ جو ورڈ اللہ تعالی نے کہا, اس سے مراد صحابہ ہی ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں, اگر میں نے آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دیا تو ایک دن بھی کافی ہو نہیں ہوگا, کم پڑ جائے گا ہمارے لیے دن رات. ایسے ایسے طریقوں کو چھوڑ کر ہم نے مخالفت کی ہے, ہم نے اللہ کی خلاف ورزی کی ہے, ہم نے صحابہ کی خلاف ورزی کی ہے, ہم نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی ہے, جس نبی کو اللہ تعالی نے کیا کیا القاب نہیں پکارا. اگر دنیا پہ اس زمین پہ کوئی بہترین شخص ہے, انسانوں میں کوئی بہترین انسان ہے, تو وہ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور انبیاء پر کسی کو اللہ رب العزت نے سردار بنایا ہے, کسی کو کنگ بنایا ہے, کنگ صحابہ پر, انبیاء پر اگر کسی کو سید الانبیاء کا لقب ملا ہے تو وہ محمد صلی اللہ. تو ہم ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اگر ہم اختیار کر رہے ہیں تو آپ خود اپنے ذہن و دماغ سے سوچئے, کیا یہ راستہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا یا جنت میں؟ کیونکہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے آپ کے سامنے یہ بات بہت مرتبہ رکھی,
जैसे मन आमिला अमलन लई قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو الرد. अगर किसी शख्स ने कोई ऐसा अमल किया, कोई ऐसा काम किया जो मैंने नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह रहे हैं मैंने नहीं किया, तो वो अमल मर्दूद है, वो काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो नेक अमल हो चाहे बुरा, वो अमल मर्दूद है, वो काबिल कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं होगा, बल्कि वो शैतानी अमल कहलाया। और उस अमल की वजह से आप, अगर आपने मरने से पहले तौबा नहीं कर ली, मैं और आपने अगर ऐसे अमल हमने किए हैं, अगर मैं या आप दोनों में से किसी ने भी हमने किया है, अगर हमने इसकी तौबा मरने से पहले नहीं की तो हम जहन्नम में जा सकते हैं। अल्लाह हमें माफ करे, हमारी हिफाजत फरमाए। और एक आखिरी बात को मैं आपके सामने रखकर अपनी बात खत्म करूंगी, जो कि बहुत ही अहम है, यानी जो हम अमल करते हैं, जैसे जो भी अमल हो, बिदआत है, जैसे किसी की मौत पर क्यों ना हो, किसी की विलादत पर क्यों ना हो, आज हमने हर एक पर बिदातें ईजाद कर दी। कोई मरता है तो बिदात, कोई पैदा होता है तो बिदात। जैसे मरने पर बिदात क्या है, मरते ही हमारी बिदातें शुरू हो जाती हैं। क्या उसी दिन से, अभी जनाजा घर से बाहर भी नहीं गया, हम क्या करते हैं, चार शुम्बे का जनाजा है, दही की बकेट फोड़ते हैं। ये है हमारा दीन, ये हमें सिखा रहा है इस्लाम। और घर के पीछे रास्ते से जनाजे को ले जाते हैं, क्यों, चार शुम्बे का जनाजा किसी और की जान ले सकता। जब तय है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है तो चखना है, चाहे जनाजा आपके घर के सामने से जाए, चाहे जनाजा आपके घर के पीछे से जाए, आपकी मौत जिस सेकंड पर लिखी हुई है उस सेकंड आपको मौत आनी है और आकर रहेगी। ये बदशगुनियों को जो हमने इस्लाम समझकर ईजाद किया है, और फिर उस पर हम बराबर के अमलदार है, अमल करते हैं हम, तो क्या सूरत लेकर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर उनके सामने हाजिर हैं, तो हम हौज़े कौसर नहीं पाएंगे उनकी हाथ से, क्योंकि हमने भी ईजाद ईजाद किया। और वो खुद कहेंगे मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हटा दो मुझे इसकी नजरों से, मेरी नजरों से इसको हटा दो और इसको घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो, ये मेरा उम्मती नहीं हो सकता जिसने इस्लाम में नई बात गढ़ी। और शादियों में दूल्हे को क्या करते हैं, जब दूल्हा घर से बाहर निकलता है तो चौखट पर नारियल फोड़ा जाता है नजरे बद से बचने के। अल्लाहु अकबर, क्या किया हम, हमारे दीन के साथ हम खुद ने खिलवाड़ किया है। ये खेल नहीं है तो क्या है दीन के साथ, ये तमाशा नहीं है तो क्या है दीन के साथ, हम में और काफिर में क्या फर्क है, अगर हम ये अमल कर रहे हैं तो काफिरों में और हम में क्या अमल है। नजर बद से बचने के लिए मुर्गी वार कर गैरुल्लाह पर ज़बह किया जाता है, और मुर्दे पर तो ये हुआ, पैदाइश पर क्या बिदातें हमने ईजाद की, जब भी कोई पैदा होता है तो क्या करते हैं, चिल्ले छट्टियों के नाम पर हमने ऐसी ऐसी रस्में ईजाद किए, और अगर वो ना किया जाए तो कुछ भी हो सकता है बच्चे के साथ। और जब माए हामिला होती है तब भी हमारा ईमान हम बेच देते हैं, जैसे सूरज और चांद ग्रहण की जब बात आती है तो क्या करते हैं, एक सुई, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक सुई को, एक छोटी सी सुई हम अपने पेट पर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी पेट में, है ना,
ऐसा परवरदिगार, ऐसा शहंशाह जिसने आसमान को ऐसा बुलंद किया जिस तक कोई आज तक जाने की हिम्मत ना कर सका, ऐसा आसमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया जिसमें कोई शिगाफ या कोई सुराख आपको नजर नहीं आता, तो आपके बच्चे को जो पेट में आपके पल रहा है उस बच्चे की हिफाजत करने पर वो रब खादिर नहीं है? आपने उसको खादिर नहीं समझा, इसलिए आपका जो अकीदा है अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपको उस अकीदे के एतबार से आपके उस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज्जत रद्द करता है, क्योंकि आपका अकीदा अल्लाह पर नहीं था। आप अकीदा सही रखते, अल्लाह पर यकीन रखते कि इतना बड़ा रब जब इतना बड़ा आसमान बना सकता है, इतनी बड़ी दुनिया, जमीन जमीन पर फलने फूलने वाला हर पेड़ पौधा फल हर चीज, मजे मजे के लजीज चीजें हम जो दुनिया में खाते हैं, हर चीज का मालिक जब वो रब है, तो एक छोटे से बच्चे को वो हिफाजत नहीं कर सकता? अगर आपका ईमान ये होता तो आपका बच्चा शाश बशाश होता। एक सुई पर आप ईमान रखते हैं, सुई ना लगाने से कुछ भी हो सकता है बच्चे के पेट में। और उस दिन क्या पहनाया जाता है? अल्लाह अकबर, बोलने भी मुझे में हिम्मत बस नहीं हो रही है और शर्म आ रही है, ऐसे ईमान पर शर्म आ रही है। अपने आप को मुसलमान कहते हुए इस मुआशरे में जो हमारा लिबास ही नहीं है साड़ी, जिसे हम कहते हैं साड़ी, और उस दिन अगर सूरज ग्रहण हो चांद ग्रहण हो तो उस दिन क्या किया जाता है? माँ को साड़ी पहनाया जाता है। क्यों? अगर नहीं पहने साड़ी तो क्या हो जाएगा उस दिन? बच्चा अंदर टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, ये लिबास तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था ही नहीं। साड़ी नामी लिबास जब के जमाने में नहीं, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ क्या उस साल? कभी उन दिनों में कभी सूरज चांद ग्रहण हुआ ही नहीं था? जरूर हुआ था। जरूरत है हमें हमारे ईमान को बदलने। उनका ईमान ऐसा पक्का था और आज हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हमने सुइयों पर ईमान, हमने साड़ियों पर ईमान रखा, सुइयों पर ईमान रखा कि वो हमारे लिए काफी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ऐसी ऐसी बिदातें हमने इजाद कर ली हैं, ऐसे ऐसे नए काम हमने दीन समझ कर किया है। अगर मैंने कहा ना कि मैं अगर कहती जाऊं तो पूरा दिन मेरे लिए काफी है। जी, जो आखिरी बात मैं आपके सामने कहने वाली थी वो ये है कि हमने अपने बाप दादाओं की बात को माना, हमने अपने बाप दादाओं की बात को माना। जैसे अभी रबीउल अव्वल की जो भी बिदातें हैं, इसमें जो हमने इजाद किया, जो मैंने आपके सामने गिनवाई 6-7 बिदातें, और ये बिदातें अगर हम अभी सुने हैं कि सुन्नत से क्या चीज साबित है क्या नहीं है, तो अगर हम अब छोड़ना भी चाहें तो हम एक बहाना लगा देते हैं। कौन सा बहाना? कि बाप दादाओं से चलता हुआ आया है, कैसे हम ऐसे ही छोड़ दें? सुनिए, बाप दादा की जो बात करते हैं उनके लिए खास कर ये पैगाम है, मेरा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा और आपका रब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुरान सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 नोट कर लीजिए आप लोग, ये मेरी बात नहीं, बिल्कुल मेरी बात। सूरह अहज़ाब आयत नंबर सॉरी सूरह नंबर 33 आयत नंबर 63 सॉरी 66 आयत नंबर 66 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहु फिन्नार यकूलून या लैतना अता'ना अल्लाह व अता'ना रसूला। जिस दिन बिदअत करने वाली औरतों या मर्दों जो भी अपनी बाप दादाओं के पैरवी करते थे उनके चेहरों को जहन्नम में झोंक दिया जाएगा, ठीक है? यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम, उनके चेहरों को जिस दिन जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। फिन्नार, जहन्नम में। यकूलूना, वो लोग कहेंगे कौन?
जो बिदअतें करते थे, बाप दादाओं की बात को मानकर शिर्क को बिदअत करते थे, उनसे जब कहा जाएगा, उनको जब जहन्नम में झोंका जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा, तो वो कहेंगे यकुलूना, वो कहेंगे या लैतना का माने क्या है, ए काश काश, कि काश हम अल्लाह की इताअत करते और उसके रसूल की इताअत करते, काश। वो लोग जब इजहार अफसोस कर रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि काश के हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते। उसके बाद वकालू, और फिर वही लोग कहेंगे जिन्होंने बड़ों की इताअत की, बड़ों की इताअत की, क्या कहेंगे, वकालू रब्बना इन्ना, बेशक हमने, ऐ हमारे रब, बेशक हमने, अतअना इताअत की, सादतना किसकी, हमारे सरदारों की, यानी सरदार किसे कहते हैं, बाप दादाओं, और कुबराना हमारे बड़ों की, सरदार और बड़े कौन होते हैं, अपने बाप दादा ही, ठीक है। वअज़ल्लूना सबीला, तो उन लोगों ने हमें रास्ते से गुमराह कर दिया, कहां से, सही रास्ते से हटा दिया, गुमराह कर दिया, उन्होंने हमें सही रास्ते से गुमराह कर दिया, यानी हमारा रास्ता गुम गया, गुमराह कर दिया। के बाद क्या कहेंगे, अब सुनिए, कौन, मेरी गुजारिश है यहाँ पर बड़ों से और छोटों से, जो करवा रहे हैं बुरे अमल उन लोगों से, और जो खुद कर रहे हैं बड़ों की बात सुनकर उन लोगों से, दोनों के लिए है ये पैगाम। आयत नंबर 68 सूरह अहज़ाब की, 66 मैंने पढ़ लिया आपके सामने, 67 भी पढ़ लिया, अब 68 देखिए। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, कौन कह रहे हैं ये, जिन्होंने बड़ों की पैरवी की वो कह रहे हैं, रब्बना ए हमारे परवरदिगार, आतीहिम, उनको अता कर, उनको दे, ज़िफ़ैनी, दुगना अज़ाब, दो गुना अज़ाब, डबल अज़ाब, मीन अल अज़ाब, अज़ाब, अज़ाब में से, वलअनहुम, वलअनहुम, और उन पर लानत भेज, लानत कर, लानत कबीरा, बड़ी लानत, कौन कह रहे हैं ये, जो आज आपकी बात बिना छूचरा, आप कह दिए ईद मिलादुन नबी मनाना है, मना लिए, आप कह दिए अब्दुल कादर जिलानी के नाम पर बकरा जुबा करना है, कर लिए, आप कहे दरगाह जाना है, गए, आप कहे किसी और जगह जाना है, गए, आपके दुनिया में जो फर्माबरदार थे आपकी बात को कभी नहीं निकालते थे वो लोग, क्या कहेंगे, जहन्नम में, अल्लाह इनको दुगना अजाब दे, इनकी वजह से आज हम जहन्नम में हैं, इनको हमसे डबल अजाब दे, और अल्लाह ताला भी क्या करेगा, उनको डबल अजाब दे कर रहेगा, जो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उनको ये अजाब दे रहा है अल्लाह ताला, और खुद जो यहां पर आपकी पैरवी बिना छूचरा, आवाज किए बगैर, जो यहाँ पर आपकी पैरवी कर रहे हैं, वो वहां जाकर आपको जहन्नम के अजाब में डाल रहे हैं, और आप भी जो आप अजाब उनको करने के लिए कह रहे हैं, आप खुद भी उस अजाब में, दुगना अजाब में मुलव्वज़ हैं, और उनको भी आप उस अजाब में मुलव्वज़ कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सबों से, और खुद मैं अपने लिए भी इस चीज को नसीहत मानती हूँ, कि हम सब मिलकर इन तमाम रिवाजों को खत्म करें, इन रस्मों रिवाजों को खत्म करें, और अपने दीन को सही दीन समझकर सही इस्लाम की पैरवी करने की कोशिश करें। सिर्फ नमाज का पढ़ लेना, ज़कात का अदा कर देना, सालाना रमजान के रोजे रख देना, ये मुसलमान का अकीदा नहीं है मेरी माँ और बहनों। हमें कुछ सीखना चाहिए इस्लाम से। हमारा अकीदा जब तक दुरुस्त नहीं है, हमारा अकीदा यानी अल्लाह ताला से हमारा जो जोड़ है, अगर वो हमारा सही नहीं है तो हम बेकार है। हमारे ये तमाम नमाज रोजे ज़कात सब बेकार। हमारा अमल अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर नहीं है तो हमारा कोई भी अमल काबिल-ए-क़बूल नहीं है।
हम सुनते हैं, सुन सुन कर सुंद हो गए हैं, लेकिन हमने कभी ये हिम्मत नहीं की कि हम इस पर अमल कब करेंगे। कब तक सिर्फ सुनते रहेंगे, कब हम अमल करेंगे? हम अपने घर वालों को इन तमाम चीजों से रोकें, इन तमाम बिदआत से रोकें। जो सही नहीं है उस पर हम अमल नहीं करेंगे, सही है उस पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को जो भी सुना है, सुनने वाले को सुनने से ज्यादा और कहने वाले को कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनने वाले को सुनने से ज्यादा और कहने वाले को कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक पर हक का पाबंद बनाए और बातिल से हमें कौन सा दूर रखें। और जो जो चीज सुन्नत से साबित नहीं है, उन सब चीजों से हमें महफूज रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله अगर कोई सवाल है किसी का तो कर सकते हैं मैम जी कहिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसा आजकल की दुनिया में लोग अपनी पढ़ाई में कोई भी अगर क्वेरीज रहे तो हर चीज के लिए जैसा गूगल पे मालूम करते कि ये कैसा है, ये कहाँ है, ये कर सकते क्या नहीं कर सकते, जो भी उसकी मालूमात रहती, तो वैसे ही आप सजेस्ट कर सकते कि अगर अपने को कोई चीज में डाउट हो रहा या समझो कुछ करना है नहीं करना है, तो अपन सीरतुल नबी है क्या, कोई समझो ऐसे जैसे हदीस की किताबें हैं जैसे बुखारी वगैरह है, तो इसमें ऐसा कोई अगर ऐसा है ऐप तो आप उससे वेरीफाई करके फिर फॉलो करना, क्योंकि आजकल तो सभी लोग यूट्यूब वगैरह सभी यूज करते ही ना। हाँ हाँ, तो आप ये भी सजेशन दे सकते कि सो एंड सो नंबर है या सो एंड सो समझो साइट है, आप इससे मालूम करो, कंफर्म करो, फिर करो जो भी करना चाह रहे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे आप अभी पूछ रहे थे हम लोगों से कि जैसा कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलेंगे, तो सिंपल वर्ड जैसा आपने बोले जैसा कोई नेक काम करने से आपको सवाबे जारिया होगा, वैसे ही वो बद काम करने से आपको अजाबे जारिया होगा ना। तो मैं वही बोलना चाह रही कि आप अगर समझो हम लोगों को कोई सजेस्ट करे कि सो एंड सो साइट अगर आप मालूम करे या सीरतुल नबी मालूम करे, जैसे आप सीरत पढ़ा रहे अपने ही ग्रुप वाले, तो आप कुछ भी चीज करने से पहले देख सकते ना कि हुजूर के जमाने में उन्होंने ये करे थे क्या, उनकी शादी कैसी हुई, उनके पास विलादत हुई तो उन्होंने क्या करे, उनके पास किसी का इंतकाल हुआ तो क्या करे, कोई बेवा हुए तो क्या करे। जी जी, सीरत सीरत के ताल्लुक से आप अर-रहीखुल मख्तूम कर सकते हैं सीरत के लिए, उसमें आप मालूम कर सकते हैं। और बुखारी में बुखारी में बहुत सारे अबाब होते हैं, जैसे निखा के हैं, इस तरह बहुत सारे अबाब होते हैं, वो आप पढ़ के तहकीक कीजिए। और इसमें ना मैम बुखारी और मुस्लिम, मैम ये नहीं बोल रही आपको कैसा है, बुक्स वगैरह मंगाना मालूम करना, तो ये लोगों के लिए आजकल कैसा है रोजमर्रा फास्ट एंड फॉरवर्ड रहते, इतना उनके पास टाइम नहीं है कि बुक्स मंगाएंगे पढ़ेंगे। मैं आपको ये बोल रही थी कि ऑनलाइन लोग अपने गाइडेंस के लिए कोई ऐसा कुछ मालूम करने का तरीका है क्या जिसको फॉलो करके लोग ऑनलाइन के तरफ से रुक सकते? जी 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 जी, ऑनलाइन पढ़ने के ताल्लुक से बोल रहे हैं आप, तहरीर चाहिए आपको ऑनलाइन? नहीं मैम, नहीं नहीं, तहरीर नहीं चाहिए, तहरीर नहीं चाहिए। तहरीर के लिए तो आप जैसा सजेस्ट कर रहे हैं बुक्स वगैरह बहुत है,
उसको मालूम कर ले सकते, पढ़ ले सकते, मगर आम रोजमर्रा जिंदगी में जो आम लोग है जो इतना डीप नहीं जाना चाहते, जस्ट उन्हों करे बोल के हम कर लिए, तो उस वक्त अगर उनको एक इनहिबिशन होना कि नहीं, अगर इनसे पूछ लिए, जैसे अभी तक कैसा है मैम, लोग जैसा कोई आपायों के पास जाते हैं जो इस्तेमा करते हैं, वो खाला के पास जाते हैं, उनसे पूछ लेते उन सही है क्या गलत है, उनके पास इतनी काबिलियत नहीं रहती कि वो जज कर सके, उन्होंने बोल दिए अरे नहीं वो हमारी आपा बोल दिए वो तो बिल्कुल सही होगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रही कि ऐसे लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए अगर कोई ऐसा सजेशन रहा कि नहीं भाई आप ये इनसे पूछ लो, तो वो थोड़ा सा एक हेल्पफुल रहेगा ना। अच्छा, चाहे आप अभी आज बोलो, आपके कोई दूसरी बाद में भी बोलेंगे, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि देखो भाई आप ये नंबर पे अगर ये मैडम है आप इनसे अगर पूछे तो किसी से टाइप करें। ओके समझ रहे हैं हम आपसे। हाँ तो आप मतलब किसी का नंबर चाह रहे हैं, आपको चाहिए हुए। हाँ, क्योंकि आजकल मैम हर इंसान है ना, चाहे वो इल्म का हो या दुनियाई चीजें हो, जितना इजी मेथड है वो देख रहे, ये नहीं देख रहे कि देर पा क्या सही है। हाँ, भाई मैंने कहा ना अपने दर्श में भी सस्ती चीज को अपना लिए। जी जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैम, मेरा जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह महीने को महीना इस्तेमा होता, तो जी, जी. मैं यहाँ इधर वादी हुदा के पास से बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ के थोड़े लोग है ना इल्म से बहुत ज्यादा दूर है और शिर्क और बिदअत में बहुत ज्यादा मुब्तला है। तो मैं हेटो लोगों को जाके हर महीना महीने इस्तेमा से एक दो दिन पहले जाके उन लोगों को कन्विंसिंग करके बोल के आती हूँ। बहुत ज्यादा लाइट लेते वो लोग, और तो इतनी बुलाने पर दो दो तीन तीन वक्त जाके बुलाना पड़ता है, तब भी एक आध औरत आए तो आती, ऐसा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन से पहले एक साल डेढ़ साल से चल रहा मेरे पास, लॉकडाउन की वजह से बीच में ड्रॉप हो गया था, फिर अब शुरू करे, मगर फिर भी लोग है ना समझ नहीं रहे, आ नहीं रहे, घरों से निकल नहीं रहे, अगर सुन लिए तो बस यहाँ कहीं सुन लिए छोड़ दे के चले जाते, बस जैसे बोलते ना एक कहावत है, यहाँ ये कान से सुनिए एक कान से निकालिए। हाँ। फिर जाके जैसा मिलादुन नबी है, अब वो फिर वो मिलादुन नबी का अब सजाना, वो करना, ईद करना, उस दिन ईद मनाना, कपड़े पहनना, वो सब चल रहा है उधर के, यानी एक ऐसी बस्ती है ये, ऐसा एरिया है ये, सारे सब लोग इसी में मुब्तला है, इसी खुराफत में मुब्तला है। ऐसा अभी आप बता रहे थे कि हमारे बाप दादाओं के दीन से चल रहा है, वैसा चल रहा है, अगर हम कुछ बोलेंगे दलील मांगेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हजार सवाल हमसे पूछेंगे, ये मत करो बोले तो। अब ऐसा है कि मर्द आदमी अभी अब ऐसा कर दे रहे हैं कि अरे ये लोग अहले हदीस के है, अरे ये लोग ऐसे अहले हदीस है, पकौड़े है, अब ऐसा सुनने में आया कि मत जाओ इधर, ऐसा भी सुनने में आया कि वो लोग है ना कि हम लोग के घर पे आने से भी लोगों को मना कर रहे हैं। तो अब इन लोगों को मैंने एक तकलीफ होती है कि इस तरीके से हमारे मुसलमान इस तरीके से इस चीजों में मुब्तला है, अपना वक्त अपना पैसा सब कुछ गंवा रहे हैं, एक तकलीफ सी होती। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं यही कोशिश है कि हम लोग तकरीबन कुछ तो भी लोगों को थोड़ा बहुत इल्म के जरिए अपने जो भी मालूम है लोगों को समझाएं, बताएं कि ये दिन नहीं होता, सही दिन ऐसा है ऐसा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं फिर भी मतलब उन लोगों को मैं चाह रही हूँ कि कैसा करूँ, थोड़ा सा आप मेरे को थोड़ा गाइड कीजिए कि कैसा इन लोगों को अपने फॉर्म पे लेके आऊँ, कैसा इन लोगों को अपने तरफ खींचेंगे। बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना ना, घर पे गए तो नौकरी करे तो है ना, बाहर निकलना तक मुनासिब नहीं समझते। एक लेडीज आई घर पे अस्सलाम वालेकुम बोले, घर पे नॉक करे के बुलाए के थोड़ा सा बादी बाहर निकले, थोड़ा बात करना है बोले तो भी हाँ बोलो क्या है, इतनी यानी अच्छी तरीके से बात करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आप मेरे को बताइए किस तरीके से लोग को मैं अपने तरफ रागिब करूँ, अपने वो करूँ। जी जी एक मिनट अजान हो रही है, एक मिनट।
जी मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही मैम, आ रही है। जी, आपने पूछा कि लोग ऐसे ढीठ हैं तो जी, हम जी क्या करें उसके लिए। जी जी, जी पहली चीज तो लोगों में भी एक क्या हिदायत हासिल करने की तड़प होनी चाहिए। जी हाँ ठीक है, जी हाँ हम जबरदस्ती किसी को अपने दीन में ला नहीं सकते। जैसे लाइक रहफुद्दीन है ना आयत सूरह बकरा की, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। जी हाँ जी, जो आना चाहता है आए, जो जी ना आए उस पर हम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर नहीं, सकते, नहीं, पहली नहीं। चीज। और दूसरी चीज, एक दावती काम करने वाले के लिए जी उसकी भी कुछ फराइज होते हैं, उसके जी कुछ हिकमतें होती हैं। वो हिकमतें जी हमें जानना चाहिए कि ऐसी ऐसी जी हिकमतों से हम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ फेर सकते हैं। जी ठीक है, जी हिकमत जरूरी है, हिकमत से काम करें, नरमी से काम करें। ये नहीं कि जी देखिए अभी अभी मैं आपके सामने, अगर मैं आपके सामने ऐसा कह देती कि नहीं करना है, मतलब गुस्से से या फिर जी ऐसा अगर किसी ने कहा या आप गलत है, किसी के भी मुंह पे आप बोल दो ये बात, तो आपको बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो बुरे इंसान हो या फिर कोई भी हो, अगर जी मैं कुछ काम कर रही हूँ मेरे जी दीन के मामले में, मैं उसको सही समझ रही हूँ, मैं उसको कभी गलत नहीं समझी, लेकिन मैं उसको सही समझ रही हूँ। कोई आकर उसे गलत कह दे, कुछ और कह दे, तो मुझे जी हाँ बिल्कुल बुरा लगेगा। लेकिन बुरा हम ऐसे नहीं लगेगा। करेंगे। पहली चीज, आपको दलायल एक साथ इकट्ठा करना है। ठीक है सिस्टर तैयबा, आप जी जब ये बात छिड़ेंगे, कुछ फजाइल के मुताबिक क्यों ना हो, शिर्क के मामले में क्यों ना हो, बिदआत के मामले में क्यों ना हो, ये जब जी बात छिड़ेगी तो तब आप फजाइल रखेंगे उनके सामने और उसके जी रेफरेंसेस रखेंगे, क्योंकि जी बगैर दलील के बात मुकम्मल नहीं होती। मुकम्मल जब नहीं तक ये बिल्कुल कुरान की आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ना हो, ना हो इसमें तब तक उस बात में दम नहीं होता। दम नहीं होता याद रखिए, वाकई जी बिल्कुल दम नहीं रहता। क्योंकि अब मैं आपके सामने सिर्फ उर्दू में सब बोल दिया, अगर जी हाँ और किसी कोई आयत और हदीस मैं आपके सामने बयान नहीं करती तो इतने ताकत नहीं होती उस चीज में, जी क्योंकि हाँ जी हाँ अल्लाह के कलाम में ही वो ताकत है, ताकत है बेशक अल्लाह के कलाम में ही वो ताकत है जो हम नॉर्मली नहीं ला सकते। तो आप जी अपने अपने दर्स में, जहां पर भी आप दर्स करते हैं, तो आप जी अपने उस दर्स में कुरान की आयतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, अहदीस मुबारका से काम लीजिए और उसके जी दलायल आप अपने साथ रखिए। आयत नंबर, जी आयत नंबर, हदीस नंबर, और जी जी सही हदीस है, ज़ईफ हदीस है, वो सब चीजें आप साथ जी में रखिए। और इसके साथ आप इंशाल्लाह भी इल्म हासिल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, यानी मुताला करते रहिए। ये नहीं कह जी रही जी हूँ कि आप बेइल्म है, बल्कि मेरा मतलब ये है कि हम नहीं जितना समझ ज्यादा इल्म काम करें, जितना ज्यादा इल्म इतना हासिल करेंगे, हमारे लिए उतना फायदा होगा, फायदा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसकी तरफ दावत दे सकते हैं। दावत देते ठीक है ना? जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह जजाक अल्लाह खैर। माशाल्लाह आप इतना अच्छा समझा रहे हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं, माशाल्लाह दिल को छू जा रहे हैं आपकी बातें, नहीं, एकदम मेरा दिल में कुछ घर कर कमाल जा रही नहीं है है, अल्लाह रब्बुल माशाल्लाह। इज्जत, अल्लाह रब्बुल नहीं इज्जत नहीं मुझसे अपना काम नहीं लेना नहीं चाह रहा, बस हक जी बताना जी नहीं, बात है लोगों का बस। एक्सप्लेन करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है, माशाल्लाह आपका तरीका एकदम
खुला खुला समझ में आ रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंटरेस्ट से सुन रही। मैं भी सेकंड क्लास है आपकी माशाल्लाह, अच्छी अच्छे सुन रही। अल्लाह जजाक अल्लाह खैर, अल्लाह आपको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश होके सुना है और दिल पे बात का असर भी हुआ है। लेकिन मैं बिजी थी और लास्ट में थोड़ा सा सुन सकी हूँ। मुझे इस लेक्चर की मतलब रिकॉर्डिंग चाहिए ताकि मैं पूरा लेक्चर सुन सकूँ। और नेक्स्ट भी आपने मुझे मतलब जूम पे, अगर मैं लाइव क्लास नहीं ले सकती, लेक्चर नहीं सुन सकती, तो आप प्लीज जो है बाद में रिकॉर्डेड वीडियो जो है, ऑडियो जो है, वो प्लीज सेंड कर दीजिएगा, भले मेरे पर्सनल नंबर पे, भले ग्रुप में, जैसे आपको ठीक लगे। जी 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 नहीं सुनिए सिस्टर फरजाना, हम माय उम्मा जो ग्रुप है उसमें मैसेज नहीं कर सकती। आप एक काम कीजिए, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए जो लिंक है, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूंगी। ठीक है, उसमें आपका यही तंजीमा के नाम से आपका नाम ऐड है ना? जी जी चलें ठीक है, चलें ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आप फिर मुझे प्लीज रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियो सेंड कर दीजिएगा, और इससे रेलिवेंट जो भी आपके लेक्चर होंगे वो आपने मुझे लाजमी शेयर करने हैं। जी जरूर, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आप के इल्म में बरकत डाले और हमें भी इस चीज पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अल्लाह ताला बिदआत से बचाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन, हम सबको महफूज रखे। और किसी का कोई सवाल है? चले चले एक गोगू जी, और किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। सिस्टर आयशा तबस्सुम, आपने कुछ सवाल किया था, मैं समझ नहीं पाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी मेरा सवाल था कि अभी हमारी वालिदा ने एक मन्नत की थी कि अगर घर पे कुछ शादी वगैरह हो तो आयत करीमा कराएंगे, तभी आप बोले कि ये सारे बिदत में आएंगे। जी क्या मतलब, क्या क्या मन्नत किए थे? कि हम लोग 6 बहने हैं, तो अगर किसी की शादी हो गई तो घर पर आयत करीमा कराएंगे बोल रहे थे मम्मी। जी ठीक है, एक हदीस है इस पर मैं आपके सामने रखूंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी नेकी का, किसी नेकी के काम की अगर किसी ने नजर मानी है तो उसे चाहिए कि वो जरूर पूरा करे, लेकिन अगर किसी ने किसी बद कारी या फिर बुरे काम की नजर मानी है तो उसे चाहिए कि वो उसे छोड़ दे। तो आपको अब हक मालूम हो गया है तो आप छोड़ देंगे, ठीक है, कोई गुनाह नहीं होगा आपको। आपने आपने जितने जितने पैसे खर्च करने, आपको पैसे खर्च करने थे जितने, वो पैसे आप सदका व खैरात कर सकते हैं। अगर आप ना भी करें तो आप पे गुनाह नहीं है, क्योंकि आपने गलत नजर मानी थी तो वो गलत आपको छोड़ना होगा। ठीक है सिस्टर अली, क्या नाम है आपको बताना? जी आलिया। जी शुक्रिया आलिया जी। मैम अगर पढ़ाए नहीं घर पे, थोड़ा थोड़ा करके सब घर वाले बैठ के भी पढ़ सकते होंगे ना मैम, ऐसा है क्या? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप अपनी इबादत खुद करें आपके लिए फायदा। मुझे सर में दर्द है, आप गोली खाए तो क्या मेरा पेट में दर्द या फिर सर में दर्द कम होगा? नहीं ऐसी बात नहीं मैम, जो मतलब सब सबको इकट्ठा करना इस तरह नहीं होता, जो अपने फैमिली मेंबर्स तक भी नहीं करेंगे, फैमिली वाले को भी इकट्ठा नहीं करेंगे। मेरे बोलने का मतलब वही है, आपसे समझाने के लिए बोला, तानाजनी के लिए नहीं बोला आपको, कि ऐसा ही है इस्लाम में, ऐसा ही है कि आपको अगर कुछ है, आपको कोई परेशानी है, आपके जिस्म में दर्द है, तो जिस्म में दर्द होने की भी आपके लिए दुआ है, तो आप खुद पढ़ेंगे तो आप पर ज्यादा असर हो, कोई और पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा कम असर होगा ना, इस तरह। जी जी नहीं ऐसा, ऐसी बात सुनी थी, ऐसे दावत नहीं करना, लेकिन मतलब जो बचपन में करते थे ना बहुत सारे लोग, अभी आजकल ऐसा बोल रहे कि घर वाले बैठ के पढ़ सकते हैं रोजाना थोड़ा थोड़ा करके उनके, हमारे पास सर ऐसा क्या शेड्यूल है बताइए, कोई वो बता रहे इतने लाख तस्बीह पढ़ना तो पढ़ना है, देखिए इतने लाख तस्बीहात पढ़ना तो पढ़ना है, ऐसा क्या है? जबरदस्ती कोई नहीं है, क्योंकि नफल है, फराइज में जब जबरदस्ती
आती है, सिर्फ सिर्फ फराइज के लिए आपके लिए जबरदस्ती है। कोई भी नफल इबादत में आपके लिए जबरदस्ती नहीं। आप चलते फिरते उठते बैठते लेटते सोते कभी भी आप अल्लाह की तस्बीह करो, काबिले कबूल है। ये नहीं कि आप गिन गिन कर तस्बीह पर ही पढ़े फिर उसके लिए एक दाना डाले, ऐसा नहीं है। ठीक है जी जी, अच्छा नहीं ऐसा कर रहे हैं मैम थोड़े लोग, इसलिए बता रही थी। जी 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 कर रहे हैं बहुत से लोग, आप तो थोड़े बोल रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ बहुत से लोग कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। जी सिस्टर आयशा आप बोलिए। जज़ाकअल्लाह। आमीन भैया। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह आपके लेक्चर से बस ये पूछना था कि ये तमाम जो बातें आपने की तो उस किस तरह हमको पता चलेगा कि जो काम हम कर रहे हैं या सही है या गलत। जी जी बुनियाद क्या ढूंढना पड़ेगा उसके लिए? सबसे पहली चीज तो हमें कुरान का सही इल्म हासिल करने की अल्लाह ताला से दुआ करनी होगी पहली चीज, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर हम कुछ भी चीज हासिल नहीं कर सकते। पहली चीज हम दिल और जान से ये तड़प रखें कि हम जो भी अमल कर रहे हैं आखिरत में हमारे लिए काबिल कबूल हो। ये तड़प अकीदा हमारा सही होना चाहिए। सबसे पहली चीज अकीदा सही हो, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जो भी अमल कर रहे हैं हमारे लिए आखिरत में काबिल कबूल हो। और इस तड़प के साथ साथ हम इल्म हासिल करेंगे, सही इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से भी क्यों ना हो। और ज़ईफ हदीस बगैर रेफरेंस के साथ होती है, एक बात याद रखिए जो भी हदीस है बगैर रेफरेंस के साथ होती है। अभी एक और चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो रबीउल अव्वल का महीना है इसमें गुस्ल कर कर या फिर कुछ और कुछ एक लंबी फहरिस्त है, एक फहरिस्त बनाई गई है गुस्ल करना ये करना वो करना, बहरहाल उस दिन सुबह की नमाज ऐसी पढ़ना वैसी पढ़ना कुछ एक लंबी फहरिस्त बनाई गई है जो मैंने स्क्रीन शेयर करना था लेकिन मैं भूल गई थी। ठीक है, तो इस तरह एक लंबी एक फहरिस्त है, एक इंडेक्स बनाया गया है। तो ये सब चीजें ऐसी गलत चीजें होती है जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता, नीचे कोई रेफरेंस नहीं देते, लेकिन हमको हर चीज में रेफरेंस देखना होगा। जब भी हम कोई चीज लें तो उसका रेफरेंस देखना होगा और हमें सही इल्म हासिल करना होगा। इल्म हासिल करने के बाद ही हम उसकी तह तक पहुंच सकते हैं। हदीस में ही इख्तलाफात आ रहे हैं तो हदीस का इल्म आप हासिल करें कौन सी हदीस सही है। और देखिए बुखारी मुस्लिम जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हदीस के नीचे खुद वहां पर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मेंशन कर देते हैं कि ये हदीस सही है और ये हदीस गलत है। ठीक है, तो ऐसा आप जान सकते हैं। कुछ इल्म हासिल करने के लिए आप कुछ हदीसों का मुताला कीजिए, बुखारी मुस्लिम किताबें पढ़िए जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही इल्म ही अदा करें। आमीन। और ये उलमा सू से हमें बहुत दूर कौन से दूर कर दे, कभी उनसे हमारा पाला पड़े ही ना। उलमाए सो आज ऐसा लोगों को गुमराह करने के लिए बैठ गए हैं, अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करे। अस्तग़फिरुल्लाह। आज क्या नाम है नक्शबंदी जिसे कहते हैं, नक्शबंदी जिसे कहते हैं, उनके पैर पड़े जा रहे हैं और वो मोहतरम इतने खुश है अल्लाह करम करे और अपने आप को बहुत ही बड़े आलिम दीन कहते हैं। ये उलमाए सू से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत फरमाए बस। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी और किसी का कोई सवाल है, अगर ना हो तो हम एंड कर देंगे मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सिस्टर नाजिमा आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी सिस्टर मरियम आप कुछ पूछ रहे थे जब से कि अस्कार तस्बीह पर पढ़ सकते हैं क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे बीच में पढ़ना बोलते ना मैम तो लोग तस्बीह पढ़ते हैं ना, वो पढ़ना सही है या नहीं वो। आवाज आपकी नहीं आ रही है सिस्टर मरियम सही से। मरियम जी मैम अब आ रही है आवाज। हाँ आ रही है बोलिए।
जी अस्कार हम पढ़ते हैं ना मैम, तो आप बोले ना जैसे बीच पर नहीं पढ़ना है तो तस्बी की बात कर रहे थे, वो तस्बी पढ़ते ना मैम लोग, तो उस तस्बी पढ़ना क्या सही है पूछ रहे थे। जी नहीं देखिए, अगर कोई भूल जाता है कितनी हमने तस्बी की, ठीक है, जायज तो नहीं है, सुन्नत से भी साबित नहीं है। दीन समझकर आप ये अमल नहीं करेंगे कि तस्बी पर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तस्बी पर नहीं पढ़े, अपनी हाथ की उंगलियों पे पढ़ते थे। और एक हदीस है, मैं बताऊं आपके सामने क्या खुशखबरी है तस्बी करने वालों के लिए, जो अपनी उंगलियों पर तस्बी करते हैं, जो ये पोरे हैं ना हम जिस पर तस्बी करते हैं, ये पोरे क़यामत के दिन जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उनके लिए ये जो जिल्द है, हमारी उंगलियों की जो जिल्द है, जो पोरे हमारे हैं, ये पोरे भी अल्लाह की राह में गवाही देंगे कि अल्लाह इसको जहन्नम के अजाब से बचा ले, क्योंकि ये जब दुनिया में जिंदा था तो तेरी तस्बीह करता था मेरी मुझ पर, यानी ये पोरे गवाही देंगे। तो क्यों हम तस्बीह का इस्तेमाल कर, हम अपने जिस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस्म का एक एक हिस्सा हमारे लिए गवाही देगा, जहन्नम से नजात के लिए हमारे लिए गवाही देगा। ठीक है, और ऐसा भी बोलते ना मैम कि खबर में अंधेरा रहेगा हाँ, तो रोशनी देगा, हाँ जो उंगलियों पे अस्कार पड़ते हैं उससे रोशनी नहीं। देखिए ये हदीस की कोई मतलब सही दलील तो नहीं है, बल्कि मैं ये हदीस कह सकती हूँ कि जो शख्स पढ़ता है तो ये उंगलियां गवाही देगी। ठीक है, ये रोशनी का सही होना, ये हदीस सही नहीं है। ठीक है जी 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 कल साहबा, जी बाद वक्त ऐसा होता हाथ तस्बी हाथ पर पड़े तो कंसंट्रेशन कभी चले जाता, तो कंसंट्रेशन अगर हाथ में तस्बी रही तो कंसंट्रेशन रहता उस नियत से अगर पड़े अगर तो तस्बी पर। देखिए नियत अमल, हर अमल का दारोमदार नियत पर है, इन्नमल अमलु बिन्नियत। अगर आप भूल रहे हैं लेकिन आप सुन्नत नहीं समझ रहे हैं तस्बी को, बल्कि आप भूलने की वजह से, या फिर आप अभी जैसे आपने कहा कॉन्सेंट्रेट की वजह से, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, गुनाह नहीं है, लेकिन नीयत हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तस्बीह से नहीं पढ़ा, बल्कि अपने हाथ पर ही तस्बीह पढ़ी थी, तो आप उनके तरीके को अपना मियार बनाना चाह रहे हैं तो आप भी हाथ पर पढ़ना चाहिए। जी जी, और किसी का कोई सवाल है? जी सिस्टर उम्मे सुहेल, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपका इंशाल्लाह काम करेंगे, यानी आपको बताएंगे कौन से वेबसाइट से आपको चेक करना होगा इंशाल्लाह। ठीक मैम, या किसी से सवाल? जी मैम, शुक्रिया मैम। सिस्टर नाज़िमा, जी सिस्टर नाज़िमा, मेरा तो सवाल है मगर मैम ये है ना मैम, ये डाउट्स रहते ना मैम, आप काम करते करते घर में कुछ ना कुछ ऐसा करना है नहीं बोल के आता ना मैम, डाउट आ जाते रहते ना मैम, इसके लिए आप एक ग्रुप सवाल जवाब का ऐसा कुछ ऐसा रख सकते ना मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह रखेंगे, कोशिश तो हमारी है, अभी इंशाल्लाह होगी होगी। मैम और एक डाउट है मैम, जादू से मौत तो नहीं होती ना मैम? अल्लाह की मर्जी है तो उसे जी, अल्लाह जादू की आजमाइश से चाहे तो अल्लाह दे सकता, मगर इंसान जादू करने से तो भी नहीं होती ना मैम? देखिए अल्लाह की मर्जी के बगैर जादू भी नहीं होती, अगर जादू हुई उसमें मौत भी है, तो जादू की वजह से मरना अगर उसके हक में लिखा हुआ है तो हो सकता है, क्योंकि जादू वैसी चीज है। ठीक है, लेकिन वो भी अल्लाह की मर्जी से ही होगा, बगैर अल्लाह की मर्जी से, बगैर अल्लाह के हुक्म से नहीं होगा। ठीक है, और जादू करने वाले के लिए जब ये यानी जो शख्स पे जादू किया गया है, ठीक है, उस शख्स पे जादू किया गया, जादू की वजह से वो मर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अजर सवाब है। ठीक है जी, लेकिन बहुत सुबह शाम के अस्कार की आप पाबंदी करिए, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस पर भी जादू है तो, और नमाजों की पाबंदी कीजिए,
और क्या कहते नास फलक, दो सूरतों की ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से इंशाल्लाह जादू का असर कम होता है। ठीक है, ठीक है, चलो एंड करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सहेल मता करे, जन्नत में जाने के तमाम रास्ते हमारे लिए आसान कर दे, जहन्नम के अजाब से हम सबको बचा ले। आमीन सुनामीन। وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.